अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माय पैरोट वाईफाई एंड मी। आप सबका फिर से दिल से वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसे टिप देने वाली हूँ जिससे आप मार्केट से हेल्दी पैरोट चिक ले आओ। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब कभी आप मार्केट से बेबी पैरोट लेकर आते हो तो घर लाने के बाद ही बीमार हो जाते हैं। तो एक्चुअली वो बीमार पहले से ही होते हैं, बट आपको नोटिस घर लाने के बाद होता है। बीमार तोते का बच्चा कभी भी ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम मार्केट से एक हेल्दी पैरोट चिक सेलेक्ट कैसे करें। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट और नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल पर नए हो तो, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्केट से बेबी पैरोट खरीदते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिना कुछ देखे, बिना कुछ चेक किए पैरोट ले आते हो, वो पैरोट 2-3 दिन में ही बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं। कोई भी बर्ड सेलर बीमार पैरट को सबसे पहले सेल करते हैं। इसलिए जब भी आप बेबी पैरट ले तो उसे पहले अच्छे से चेक करें। और आपको कैसे चेक करना है इसका आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वीडियो में बने रहे, मैं आपको पैरट को कैसे चेक करना है इसके 5 टिप्स देने वाली हूँ उस वीडियो में, जिससे कि आप एक हेल्दी पैरट सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बेबी पैरट वहाँ से लेना है जहाँ सेलर ने पैरेट को छाँव में रखा हो। ज़्यादातर सेलर कार्टन के डब्बे में डाल के उसे धूप में रखते हैं। उससे होता क्या है, बेबी पैरेट डिहाइड्रेट हो जाते हैं और ऐसे पैरेट लेने के बाद आपको घर ले जाने के बाद प्रॉब्लम हो सकता है। और नंबर 2 है, अभी हम कैसे जानेंगे कि जो हम बेबी पैरेट ले रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं। इसीलिए सबसे पहले आपको बेबी पैरेट का आइज देखना है। बेबी पैरेट अगर हेल्दी रहेगा तो उसका आई बिल्कुल क्लियर और शाइन करेगा। वही अगर बेबी पैरेट हेल्दी नहीं है, बीमार है, तो उसका आय आपको बिल्कुल डल डल सा लगेगा। उसकी आय में बिल्कुल भी शाइन नहीं होंगी और गंदगी भी होंगी उसके आईज में। तो ऐसे बेबी पैरेट बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। नंबर 3 टिप्स है, आपको ये चेक करना है कि बेबी पैरेट का बच्चा एक्टिव है या नहीं, क्योंकि सेलर एक ही बॉक्स में 10-15 बच्चे बेबी पैरेट के रख देते हैं। तो आपको क्या करना है, उनमें जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, जो इधर उधर घूम रहा होगा, और जो बच्चा पूरी तरीके से हेल्दी और एक्टिव रहता है वो आपसे खाना मांगता है। जो अनएक्टिव होते, हेल्दी नहीं होते, एक बाजू एक कोने में बैठ जाते हैं चुपचाप। जैसे ही आप अपना फिंगर उस बेबी पैरेट के पास, उस बच्चे के पास ले जाओगे, वो आपसे खाना मांगेंगे, जिसे देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हो कि ये हेल्दी बेबी पैरेट है। टिप नंबर 3 ये है कि आपको बेबी पैरेट का क्रॉप साइट चेक करना है। अगर वेंट एरिया गंदा है तो आपको समझ लेना है कि उसे मोशन लगा है, और रीज़न है कि सेलर उनको सही फूड नहीं देते हैं, इस रीज़न से उन्हें मोशन लग जाता है या फिर उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ऐसे बेबी पैरेट आपको नहीं लेने हैं। टिप नंबर 3-5 है कि आपको बेबी पैरेट का विंग्स देखना है। जो बच्चा हेल्दी होगा उसका विंग्स पैरेट के बॉडी पे चिपका हुआ होगा, और जो बच्चा अनहेल्दी होगा उसका विंग्स ज़मीन को टच कर रहा होगा। जिसका विंग ज़मीन को टच करता है वो वीकनेस की वजह से होता है। तो आपको ऐसे बेबी पैरेट बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट्स है, इसको फॉलो करके आप मार्केट से एक हेल्दी बेबी पैरेट ले सकते हो। और बेबी पैरेट लेते वक्त उसके एज का खास ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करना। सो जज़ाकअल्लाह एवरीवन।